कैसे बनाते हैं? सबसे पहले रोप बनाने के लिए हम फ्रंट पे जाएंगे। किस में जाएंगे? फ्रंट पे। फ्रंट में जाने के बाद हम एक कर्व टूल लेंगे, ईपी। ईपी टूल का यूज़ करने के बाद हम कोई भी डिफाइन करेंगे कर्व। इस तरह से मैंने कर्व डिफाइन करनी है, कोई भी कर्व जरूरी नहीं है इसी में। इस तरह से जितना बड़ा चाहे ले सकते हैं। लेने के बाद अब राइट क्लिक करें, डब्लू राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेस, और इसके साथ आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें जिस तरह से आप करना चाहें। थोड़ा कर्व, कर्विंग फॉर्मेट, इस तरह से आप इसको कर्व कर सकते हैं। ठीक है, शार्प करना है, हार्ड करना है, इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कर दिया। अब इसको पर्सपेक्टिव में गए, याद रखना जहाँ से आप स्टार्ट करोगे ना, जिस पॉइंटर से आप स्टार्ट करोगे उसी जगह से आप पॉलीगन एक्सट्रूड करोगे। कैसे? एक छोटा सा एक बॉक्स सिलेंडर लिया, ये लग गया, आर फाउंडेशन में बिल्कुल छोटा कर दिया। ठीक है, कर दिया। इसको फिर और छोटा करके डब्लू करा, शिफ्ट डी या कंट्रोल डी, इच्छा आपकी है। ये कॉपी किया इसके पास में, फोकस मोड, थोड़ा डिस्टेंस रखना है इतना। ठीक है, फिर दोनों पकड़ा, शिफ्ट डी वापस से, और इसके जस्ट पास में कर दिया। फिर चारों को पकड़ो, शिफ्ट दबा के रखो, होल्ड करके राइट क्लिक, कंबाइन कर दो, और यहाँ पे मिडिल माउस बटन दो बार दबा दो। दबा दिया, दबाना है। ठीक है, डबल क्लिक करना है मिडिल माउस बटन का, फिर सी दबाओ। ये दिख रही है बॉर्डर लाइन, एज लाइन है जो कर्व, इस पर ले जाके मिडिल माउस बटन होल्ड करो और ड्रैग कर दो, तो ये सीधी आपके एग्जिट पॉइंटर पास चला जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट में राइट क्लिक करो, वर्टेक्स मोड पर दो, एक क्लिक, शिफ्ट दबा के रखो होल्ड, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, करने के बाद कंट्रोल को होल्ड करो, राइट क्लिक करो, टू फेस, टू फेस, फेस सेलेक्ट हो गए। फिर इस कर्व को सेलेक्ट करो, कर लिया, फिर शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड कर दो। ठीक है, एक्सट्रूड लग गया, वो देखो वो तक। ठीक है, उसके बाद आपके चैनल बॉक्स एडिटर में जाओ, यहाँ पे इसको कर्व दो। पहले तो आप डिवीजन दो, डिवीजन मैंने दे दिया 100, डिवीजन दे दी मैंने 100 दे दिए। देखो कर्विंग फॉर्मेट आ गई पूरी। अब मुझे इसमें ट्विस्ट डालना है, तो ट्विस्ट डालने के लिए मैं यहाँ पे ट्विस्ट यूज करूँगा। मैंने 1500 कर दिया, कर्व डाल गया। 1500 की जगह आप कितने में डाल सकते हो? 2000 डाल। ठीक है, और इसके बाद इसमें 150 डाल दिया। ठीक है, फिर इसको राइट क्लिक करो ऑब्जेक्ट मोड में, और ये रस्सी का निर्माण हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये डिज़ाइन करनी है।